दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं मेरी कोशिश है कि वृंदावन की कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी अनुभूति आपसे रह ना जाए आपसे छूट ना जाए हर एक चीज़ का दर्शन करें वैसे तो वृंदावन के रज रज में कड़कड़ कड़ में ठाकुर जी राधा रानी का वास है ठाकुर जी राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है यहाँ के पेड़ पत्ते लता पता सब में हवा और वायुमंडल में सब जगह अनुभूति करेंगे तो राधा रानी और ठाकुर जी आपको अनुभूति करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको अंतर मन में आपके दर्शन हो जाएंगे तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा पल कोई ऐसा क्षण वृंदावन का आपसे छूटे ना आपको हर तरह की भक्ति का दर्शन मिले तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा ऐसे साधकों का ऐसे भक्तों का जो कठिन साधना कर रहे हैं जो कठिन भक्ति कर रहे हैं और जो नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय निकल पाना बड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नंगे पाँव जो है परिक्रमा कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में भी कर परिक्रमा कर रहे हैं इन भक्तों को दिखाने का अभिप्राय मेरा सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि भगत के बस में हैं भगवान यानी ठाकुर जी भी अपने भक्तों के बस में हैं ठाकुर जी भी अपने भक्तों के बंधन में हैं जब भी ठाकुर जी को भक्त उनका प्रेम से बुलाता है स्नेह से बुलाता है तो वो दौड़े चले आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो ऐसे भक्त जो ठाकुर जी की भक्ति में पूरी तरह से तन्मय से लीन है जो ठाकुर जी की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर है हैं उनके चरणों को उनके पाँव को उनके पैरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो भक्ति में भाव में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं अब देखिए भक्त जो है साधक कैसे निकलते हुए जा रहे हैं और नंगे पाँव जो है जा रहे हैं ये महाराज जी को देखिए दौड़ते हुए एकदम लगातार जो है दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए जो है जा रहे हैं उनके पाँव में जो है नहीं है कुछ और नंगे पाँव हैं और इधर भी देखिए भक्त निकल रहे हैं और नंगे पाँव चलते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला ये लगातार बढ़ता जा रहा है ये सिलसिला लगातार आता जा रहा है पीछे से परिक्रमा में ऐसे भक्त ऐसे साधक आते जा रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में भी नंगे पांव परिक्रमा लगा रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि भक्त के वश में है भगवान भगवान को वश में करने वाला सिर्फ एक भक्त है साधक है जो भगवान को अपने वश में अपनी तपस्या से अपनी साधना से अपनी भक्ति से वश में करता है तो ऐसे भक्तों का दर्शन कर लेना एकदम वृंदावन में साक्षात आपको समझिए कि ठाकुर जी का दर्शन है साक्षात आपको मान लीजिए कि राधा रानी का दर्शन है इस कड़ाके की ठंड में इतने आ, कड़ी जब ठंड पड़ रही हो निकलना मुश्किल हो और ऐसे समय में भक्त निकल रहे हों नंगे पाँव अभी दूर तक देखिए अगर तो एकदम सड़क सन्नाटे के आगोश में है यानी परिक्रमा मार्ग जो है एकदम खाली हो गया है और यहाँ पर अब लोगों का निकलना भक्तों का साधकों का निकलना नहीं हो रहा है वैसे साधक हैं जो वास्तव में एकदम ठाकुर जी की भक्ति और राधा रानी की भक्ति में बहुत तीव्र गति से लीन हैं और भाव में लीन है वो भक्त निकल रहे हैं और इसीलिए मैंने सोचा मेरे मन में ये भाव आया कि ऐसे भक्तों का तो दर्शन ज़रूर करना चाहिए ज़रूर अनुभूति महसूस करनी चाहिए आप कहीं पर भी हैं देश में दुनिया में कहीं पर भी हैं किसी भी जगह पर हैं इस कड़ाके की ठंड में आप अगर रजाई के अंदर बैठे हैं और आपको निकलने का मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे भक्तों के दर्शन करिए ऐसे भक्तों का आशीर्वाद लीजिए जो ठाकुर जी की भक्ति के लिए निकले हैं और जो नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में जनवरी का महीना पूरी कड़ाके के ठंड में रहता है एक भक्त को और भी मैं दिखाऊंगा देखिए कैसे नंगे पांव जो है वो चले आ रहे हैं और वो यहाँ से निकलते हुए चले जा रहे हैं तो उनका दर्शन देखिए और रात का पूरा आ, समय है तो ऐसे समय पे देखिए भक्त जो है कैसे भाव से भक्ति से जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं उनको ज़रा सा दिखाएंगे तो परिक्रमा मार्ग पर एकदम चलते चले जा रहे हैं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पर और परिक्रमा मार्ग का दर्शन कराने के लिए मैं इसलिए आप सबको निकला हुआ हूं इसलिए मैं आया हूं क्योंकि आप सब इसलिए दर्शन करिए कि इस परिक्रमा मार्ग पर एक नहीं दो नहीं हजारों चरण पढ़ते हैं हजारों कदम पढ़ते हैं और इसी परिक्रमा मार्ग पर प्रतिदिन लीला करती हुई रास लीला करते हुए ठाकुर जी जो है निकलते हैं राधा रानी बरसाने की ओर जाती हैं तो ठाकुर जी नंदगांव की ओर जाते हैं इसी परिक्रमा मार्ग से यही वृंदावन से जब भी आप अनुभूति करेंगे सच्चे भाव से आप निकलेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको दर्शन हो जाएगा बहुत सारे संतों की श्रृंखला में इतनी सारी कहानियाँ आप निकल कर आ रही हैं इतने सारे भाव निकल कर आ रहे हैं कि बहुत सारे संतों ने खुद बताया है कि मुझे भूख लगी और मुझे कुछ भी सामने नहीं दिखा और पता चला कि कोई बच्चा आ रहा है कोई जो है कन्या आ रही है और कुछ ना कुछ अर्पित करके आंख से ओझल हो जा रही है तो ऐसे कई संतों की वीडियो मैं डाल चुका हूँ आप सबने देखा भी होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी का राधा रानी का दर्शन आपको हो जाएगा और वो इसलिए होगा कि जब आप सच्चे भाव से सच्चे मन से बड़ी निष्ठा से बड़ी साधना से और मन में भक्ति का भाव लिए जब उमड़ पड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ठाकुर जी राधा रानी का दर्शन होगा यहाँ देखिए महाराज जी रात में एकदम निकले हुए हैं और एकदम नंगे पाँव जो है परिक्रमा करते हुए निकल रहे हैं और ये अनुभूति ये दर्शन महाराज जी का बहुत ही समझ लीजिए कि भाव से भरा हुआ है बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है कि जहां पर कड़ाके की ठंड में हमारा और आप सबका निकलना बड़ा मुश्किल होता है में पर डर सा लगता है कि इस ठंड में कैसे निकले ऐसी ठंड में ऐसी कड़ाके की ठंड में बहुत सारे ऐसे साधक हैं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नंगे पांव निकल रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं तो एक बार फिर इस परिक्रमा मार्ग का भाव और दर्शन देखिए बहुत से देश विदेश में भक्त हैं उन्हें ये परिक्रमा मार्ग का दर्शन नहीं हो पाता तो दूर तक देखिए परिक्रमा मार्ग का दर्शन देखिए यमुना मैया से कुछ ही दूरी पर परिक्रमा मार्ग है और ये परिक्रमा मार्ग अनवरत लगातार चलता रहता है लगातार भक्तों का निकलना रहता है लेकिन इस समय कुछ एहतियात के कारण जो है परिक्रमा आ, कम निकल रही है और चूंकि ठंड भी है तो ठंड के समय भी जो है कुछ कम भक्त निकल रहे हैं यहाँ भी अब देख रहे हैं कि ये साधक भक्त नंगे पांव कड़ाके की ठंड में बड़े ही आनंद के साथ जो है परिक्रमा लगा रहे हैं कितना अच्छा ये दृश्य है कितना भाव है इधर भी दिखाइएगा इधर भी पीछे देखिए साधक जितने हैं सब नंगे पांव हैं वृंदावन में आना है हाँ जी। तो राधे राधे गाना है, है।, है। कहाँ से आप आए हैं पलवल से अच्छा ये पलवल हरियाणा में पड़ता है और टप्पल से थोड़ा सा नजदीक पड़ता है हरियाणा में तो अच्छा तो ये नंगे पाँव जो है परिक्रमा में ठंड नहीं लग रही ना जी ठाकुर जीपास कर भगवान के, पर... जी। जी। भाग... के द्वार पर ठंड सोल लगी करे अच्छा भगवान कृपा हाँ अच्छा लखनी निरंजन हो जाएंगे राधे राधे अच्छा तो एक बार फिर देखिए राधे राधे कहते हुए ये भक्त और साधक जा रहे हैं नंगे पांव जा रहे हैं कितना आनंद में और कितने भक्ति में कितने भाव में है ये सब जो है आगे निकलते हुए चले जा रहे हैं तो ये वृंदावन कभी थमता नहीं कभी रुकता नहीं चलता रहता है अनवरत चलता रहता है और भक्तों का सैलाब भक्तों का जाना निकलना रहता है रात में कड़ाके की ठंड में भी ऐसे साधक ऐसे भक्त अगर निकल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी कितनी कठोर साधना है कितनी कठोर भावना तपस्या है तो वृंदावन का भाव एक एक भाव एक एक आनंद आप सब हर पल लीजिए अनुभूति करिए कहीं पर भी बैठे रहिए अनुभूति करिए आंख बंद करिए ठाकुर जी आपको साक्षात दर्शन देंगे ठाकुर जी आपको साक्षात जो है कृपा करेंगे राधा रानी आपको साक्षात आपके ऊपर कृपा करेंगी वृंदावन का ये भाव जो है आप सबको भक्ति से भर दे यही मेरी मनोकामना है कि आप सब आनंद में रहें और ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति में लीन रहें तो उस रज पे उस वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे जहां पर भक्तों का सैलाब निकलता है जहां पर ठाकुर जी राधा रानी के चरण पड़े हैं तो भाव से नमन भाव से वंदन भाव से सत सत प्रणाम कि ऐसा पवित्र ऐसा पावन ऐसा पुनीत भाव जहाँ पर आकर आप जो है धन्य हो जाएंगे, जहाँ पर स्पर्श करके आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी जहाँ पर आप स्पर्श करने के बाद आपके अंदर स्फूर्ति होगी आपके अंदर ठंड गायब हो जाएगी और एक अजीब सी हलचल होगी एक अजीब सा संदेश आएगा कि चलो वृंदावन चलो वृंदावन तो वृंदावन का पावन पुनीत ये दर्शन आप सब करिए और एक बार फिर जो नंगे पांव निकल रहे हैं उन भक्तों का उन साधकों का दर्शन आप करिए अभी भी भक्त साधक निकल रहे हैं ये ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का राधे 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 जी जी ये देखिए भक्तों का जो भाव जो है वो निकलता हुआ चला जा रहा है तो अभी रात के समय में और ऐसे भक्त ऐसे साधक राधे राधे कहते हैं तो पूरा वृंदावन गूंज जाता है पूरा वृंदावन महक जाता है पूरा वृंदावन आशीष की आशीर्वाद की बारिश करने लगता है